पिछले वीडियो में हमने स्क्रैच के प्रोग्रामिंग के एडिटर के बारे में जानकारी ली। हमने इसके वेबसाइट के बारे में भी जाना और यह भी जाना कि इसका एक ऑफलाइन वर्जन भी है जिसे आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आज हम इन एडिटर के इस्तेमाल से एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम बनाकर देखेंगे ताकि स्क्रैच की प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है इसकी आपको आइडिया आ सके। अगर आपने स्क्रैच के वेबसाइट पर अपना अकाउंट खोला हो तो आप इस प्रोग्राम को सेव करके भी रख सकते हैं। तो या तो आप स्क्रैच का ऑनलाइन एडिटर ओपन करें या फिर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया हुआ इसका ऑफलाइन एडिटर ओपन करें। तो हमें यहाँ पर स्क्रीन के लेफ्ट वाले हिस्से में एक बिल्ली का कार्टून दिखाई देता है। इस कार्टून को स्क्रैच के भाषा में स्प्राइट कहा जाता है। आप इस तरह के कई कार्टून्स स्क्रैच की लाइब्रेरी से ओपन करके अपने स्क्रीन पर उन्हें लाके रख सकते हो और हर एक कार्टून के लिए उसकी मूवमेंट और उससे आपको जो भी काम करवाना हो उसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो अब हम इस बिल्ली वाले कार्टून पर एक प्रोग्राम रन करेंगे। यह प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे ही मैं इस बिल्ली के चित्र के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर एक स्पीच बबल दिखेगा जिसमें म्याऊ लिखा है और साथ ही वह बिल्ली म्याऊ की आवाज़ भी करेगी। तो अब हम यह प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है यह देखेंगे। स्क्रीन के बीच वाले हिस्से में एक स्क्रिप्ट्स नाम का पैनल है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं और इन कैटेगरीज में आपको अलग अलग कोड के ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। तो स्क्रैच के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है वे इन ब्लॉक्स की सहायता से की जाती है। आप इन ब्लॉक्स को सेलेक्ट करके उन्हें राइट वाले पैनल में ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मूव और टर्न ये दो ब्लॉक्स लेंगे। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट संख्या लिखी हुई है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मूव 10 स्टेप्स, यहाँ पर क्लिक करके मैं 10 के बजाय कोई दूसरा अंक भी लिख सकता हूँ। उसके बाद स्क्रिप्ट्स की जो दूसरी कैटेगरी है वो लुक्स है। इसके अंदर से हम इसके स्पीच बबल यहाँ पर बना सकते हैं। इसमें से हम एक स्पीच बबल चुनेंगे, फिर हम साउंड वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। प्ले साउंड नाम का एक हम कोड ब्लॉक चुनेंगे। इसके आगे एक ड्रॉप डाउन बटन है, तो यहाँ से हम पहले से ही तय किए गए साउंड में से कोई एक साउंड चुन सकते हैं और साथ ही आप इसमें एक रिकॉर्ड ऑप्शन है, आप किसी साउंड को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। बीच वाले हिस्से में तीन अलग अलग पैनल्स हैं, उसमें एक पैनल है साउंड। यहाँ पर स्पीकर वाले आइकॉन पर क्लिक करने से स्क्रैच की साउंड लाइब्रेरी खुल जाती है। तो इसमें कई बहुत सारे साउंड्स हैं जिनमें से कोई भी साउंड आप चुन के उसे स्क्रिप्ट के भीतर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमने जो साउंड चुना डांस चिल आउट, वह साउंड हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखाई देता है। इस तरह से हम साउंड लाइब्रेरी से कोई भी साउंड चुन सकते हैं और साथ ही हम
किसी साउंड को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये जो कार्टून है इसको स्प्राइट कहा जाता है। तो इस तरह के कई कार्टून्स इसकी इनकी लाइब्रेरी में हैं। इस जगह पर क्लिक करने से हम इस लाइब्रेरी के स्प्राइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें से एक या एक से ज़्यादा स्प्राइट्स हम चुन सकते हैं। जब हम स्प्राइट चुनते हैं तो वो हमें स्क्रीन पर इस जगह पर दिखाई देता है। हम माउस के पॉइंटर की सहायता से इन स्प्राइट्स की इनिशियल लोकेशन हम चूज़ कर सकते हैं। जब हम स्प्राइट्स चुनते हैं तो उसके छोटे छोटे थंबनेल्स नीचे की ओर दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी स्प्राइट को सेलेक्ट करेंगे तो हम उस स्प्राइट के लिए प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो पहले हम बिल्ली वाले इस स्प्राइट की प्रोग्रामिंग पूरी करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ कोड ब्लॉक्स चुने हैं। अब इन कोड ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी एक इवेंट की आवश्यकता है। यह इवेंट एक हरे रंग के झंडे की तरह है। ग्रीन फ्लैग को क्लिक करने पर वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर व्हेन दिस स्प्राइट सेलेक्टेड नाम का एक कोड ब्लॉक है। तो यह कोड ब्लॉक चुनने पर हम उस स्प्राइट के ऊपर क्लिक करने पर वह कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस बार हम यह हरा झंडा चुनेंगे। तो ये हो गई हमारी बिल्ली वाली मूवमेंट्स की कोडिंग। अब हम इस बॉल की मूवमेंट की कोडिंग को चुनेंगे। बॉल की कोडिंग के लिए मूव और टर्न ये दो ब्लॉक्स चुनेंगे और हम इसके अंदर एक नया नंबर ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्ली के लिए हमने जो कोड लिखा था वह एग्जीक्यूट हो गया। बिल्ली कुछ कदम आगे भी बढ़ी और उसने हेलो भी कहा और एक साउंड भी उसने प्ले किया। लेकिन बॉल के लिए जो कोड है वह एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें बॉल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर एक इसका ट्रिगर देना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट में से हम इवेंट्स चूज़ करेंगे और फिर व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड यानी कि हम बॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तब उसके लिए लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम बिल्ली से शुरुआत करते हैं। पहले हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो ये बिल्ली आगे बढ़ी। अब हम बॉल को क्लिक करेंगे तो ये बॉल यहाँ से आगे हट गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्राइट में प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। स्प्राइट के अंदर अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स या चित्र होते हैं जिन चित्रों की मूवमेंट के लिए अलग से हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमने एक आसान सा प्रोग्राम बनाकर देखा। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तब उसको आपको अगर सेव करना हो तो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर यहाँ पर आप इस प्रोग्राम का नाम लिखें और फिर इसको आप सेव कर सकते हो। यह ऑनलाइन एडिटर है। ऑनलाइन एडिटर में कई ऑप्शंस हैं। आप इसे ऑनलाइन भी सेव कर सकते हो और अगर आपको इसे अपने कंप्यूटर पर ऑफलाइन इस्तेमाल करना हो तो आप इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड भी कर सकते हो। जबकि अगर आप ऑफलाइन एडिटर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे आप फाइल सेव एज इस डायलॉग का उपयोग करके अपने हार्ड डिस्क पर किसी भी लोकेशन में आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में स्क्रैच या स्क्रैच प्रोग्राम्स इस नाम से एक फोल्डर बनाकर उसके अंदर सेव करके रख सकते हो। उसके अलावा शेयर टू वेबसाइट नाम का भी यहाँ पर ऑप्शन है। स्क्रैच के ऑनलाइन एडिटर में अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर नाम का भी एक ऑप्शन है यानी कि
अगर आपने ऑफलाइन एडिटर का इस्तेमाल करके कोई प्रोग्राम बनाया हो और उसे अपने कंप्यूटर पर सेव किया हो और फिर उसे आप ऑनलाइन एडिटर में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर इस मेनू का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुई आमतौर पर स्क्रैच के एडिटर्स को इस्तेमाल करने की मेथड। अब अगले वीडियो में हम इन एडिटर के जो अलग-अलग स्क्रिप्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अलग-अलग प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं यह देखेंगे। आशा है यह प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स आपको अच्छे लगे। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा।